जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ पर पति करवे से, मिट्टी के बने करवे से क्यों पिलाते हैं पानी, क्या है इसका कारण। देखिए, करवा चौथ में मिट्टी के करवे का काफ़ी महत्व होता है। इस व्रत का समापन मिट्टी के करवे से ही करवाया जाता है और जलपान करके महिलाएं व्रत तोड़ती हैं। देखिए, करवा चौथ इस बार 4 नवंबर को है और देश भर में करवा चौथ बहुत ही धूमधाम से मनाया जाने वाला एक त्यौहार है। तमाम देश भर की जो स्वागिन स्त्रियां होती हैं, गृहिणियां होती हैं, वह इस व्रत को रखती हैं। यह त्यौहार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है। करवा शब्द का जो अर्थ होता है वह है मिट्टी का बना बर्तन। ऐसे ही करवा चौथ में मिट्टी के करवे का बहुत अधिक महत्व होता है। करवा चौथ व्रत में महिलाएं करवे का इस्तेमाल इसलिए करती हैं क्योंकि इसके बिना करवा चौथ का व्रत हमेशा ही अधूरा माना जाता है। इसलिए इस व्रत के समापन के समय पर करवे से जलपान करके महिलाएं व्रत तोड़ती हैं। पर इसकी वजह क्या है कि मिट्टी के करवे का ही प्रयोग किया जाता है, ये आज हम आपको बताएंगे। करवा चौथ के दिन विवाहित महिलाएँ अपने अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और ऐसी अविवाहित युवतियां या ऐसी अविवाहित कोई स्त्री जो अपने लिए सुयोग वर की कामना कर रही हो तो वह भी इस व्रत को रख सकती हैं। इस दिन शाम को चंद्रमा के दर्शन करने के बाद पति पत्नी को मिट्टी के बने बर्तन यानी कि करवे से पानी पिलवाकर उनके व्रत का समापन करवाता है। देखिए, इसमें करवा का क्या महत्व है। करवा चौथ में इस्तेमाल किया जाने वाला बर्तन करवा बहुत अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मिट्टी का बना हुआ एक टोटीदार बर्तन होता है और मिट्टी को पंच तत्व का प्रतीक माना गया है। करवे को मिट्टी की पानी में गलाकर जो कि भूमि तत्व का प्रतीक है और जल तत्व का प्रतीक है, उसे बनाकर धूप और हवा से सुखाया जाता है जो आकाश तत्व यानी कि धूप और हवा वायु तत्व का प्रतीक है। फिर आग में तपाकर इसको बनाया जाता है जो कि अग्नि तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार करवा पाँचों तत्व का प्रतीक माना गया है और भारतीय संस्कृति में ही पानी को पर ब्रह्मा माना गया है क्योंकि जल ही सब जीवों की उत्पत्ति का केंद्र है। इस तरह मिट्टी के करवे से पानी पिलाकर पति पत्नी अपने रिश्ते में पंच तत्व और परमात्मा दोनों को साक्षी बनाकर अपने दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाने की कामना करते हैं और अपने बीच प्रेम को बढ़ाते हैं। इसीलिए करवा चौथ में करवे का बहुत अधिक महत्व है। करवे के बिना यह व्रत अधूरा ही समझना चाहिए। प्राचीन समय में करवा चौथ में मिट्टी के बर्तन का प्रयोग हुआ है और अभी तक होता आया है, परंतु क्योंकि अब समय बदल रहा है, आधुनिक समय आया है, तो महिलाएं धातु के करवे का भी प्रयोग करने लगी हैं जो कि बिल्कुल गलत है। मिट्टी के बर्तन के महत्व को जानना हमें बहुत ज़रूरी है और आपको करवा चौथ में मिट्टी के करवे का ही प्रयोग करना चाहिए। विवाहित महिलाएं इस तरह अपने व्रत को संपूर्ण बना सकती हैं। जय श्री कृष्णा।